हाँ बेटा लास्ट क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे उस दिन? नंबर 29 हाँ 39 कर लिया था, 30 हो गया। Yes, यस सर। 31 सर बता दीजिए। और जीएक्स इक्वल टू रखा गया है लॉग एक्स ऑन बेस ई माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर तक जी एफ एल डी एक्स। तो पहले इसका कंपोजिशन निकाल लो, जी एफ एक्स का कंपोजिशन हो जाएगा जी एफ एक्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स कॉस एक्स, और जी में एक्स के प्लेस पर आ गए लॉग टू माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स कॉस एक्स। अभी लिमिट माइनस एक्स प्लस एक की फॉर्म में दे रखी है, तो फंक्शन का इवन और आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो लॉग वाले फंक्शन और होते हैं, तो माइनस जी एक्स आ जाएगा, माइनस जी एफ एक्स आ जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की जीरो हो जाएगी जो कि उन्होंने लॉग ऑन करके दे रखी है। ठीक है बेटा, इसके बाद 32 हो गया। यस सर। 33 हो गया। यस सर। 34 अभी नहीं करा सकते क्योंकि फंक्शन बेस्ड है, अभी वेट करना पड़ेगा इस फंक्शन के लिए, पीरियोडिक फंक्शन वगैरह जब पढ़ाएंगे तब कराएंगे 34। ठीक है बेटा। 35 हो गया सर। सिर्फ एक स्टूडेंट की आवाज आ रही है। 36 यस सर हो गया। 36 यस सर। 37 यस सर। 38 38 में यस सर। इंटीग्रल 0 to 1 एक्स cos inverse 1 minus x square, वैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन में पहले आया है 1 minus x square plus x की पावर 4 dx। तो अगर हम यहाँ पर x square को की राइट कर लें तो 2n dx equal to dt, n dx की वैल्यू आ गई 1 upon 2 dt, तो x dx की वैल्यू आ गई 1 upon 2 ये dt और इनवर्स 1 माइनस t प्लस t स्क्वायर हो गया बेटा, ये लिमिट 0 से बनी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं, इसे बेटा ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 टू 1 और इनवर्स का मतलब ये tan इनवर्स हो गया बेटा, माइनस x फॉर्म में लेंगे 1 माइनस x हो जाएगा, और यहां पर x प्लस 1 माइनस x करके लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है, अभी आइडेंटिटी बन गई tan इनवर्स x प्लस y की, tan इनवर्स x dx ऐसी 1 upon 2 0 to 1 tan इनवर्स 1 minus x dx ये है। ठीक है बेटा, अब किसी एक नॉर्मल लिमिट माइनस करने की प्रॉपर्टी लगा देंगे, बट ट्राई करके आपके सामने कर लेंगे। 39 पे भी रुक के करेंगे बेटा, थोड़ा सा ग्राफिक क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। 40 बताइए। पार्टी हो गया नहीं हुआ सर? नहीं हुआ। ठीक है, 40 क्वेश्चन में ये नोट कर लिया था जो हुआ है बोर्ड पे।
40 क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट n टेंस टू 3 की थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव क्वेश्चन है, n प्लस 1 की पावर 1 बाई 3 प्लस n प्लस 2 की पावर 1 बाई 3 प्लस n सॉरी 2 है बेटा यहाँ पे करेक्शन है वो मेरे वाली n की पावर 4 बाई 3 n की पावर 4 बाई 3 n सॉन n की पावर 4 बाई 3 तो बेटा इसको n तो बना पा रहे हैं बाहर देखो सब में से तो ये n की पावर 1 बाई 3 बचेगा ही 1 प्लस 1 बाई n की पावर 1 बाई 3 ऐसे हो जाएगा ये 1 प्लस 2 बाई n की पावर 1 बाई 3 हो जाएगा और ये n प्लस n हो जाएगा यानी कि 1 प्लस 1 की पावर 2 हो जाएगा 1 बाई 3 इस तरीके से n बाई n है ना ये n बाई n कर लेंगे तो जनरेटर तो निकल आएगा हमारे पास क्या 1 प्लस r अपॉन n की होल पावर 1 बाई 3 और इंटीग्रेशन को 0 से 1 dx चलो अगले स्टेप लिख देंगे उधर समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी क्या बनेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक 1 प्लस x की पावर 1 बाई 3 dx तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 3 प्लस 1 4 बाई 3 4 बाई 3 लिमिट अगेन 0 से लेकर 1 तक बेटा 3 बाई 4 ऐसे x की पावर क्या 1 तो 1 प्लस 1 2 की पावर 4 बाई 3 और जब 0 रखेंगे तो 1 की पावर 4 बाई 3 तो 3 बाई 4 इंटू 2 की पावर 4 बाई 3 माइनस 1 बी ऑफ द सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया 3 बाई 4 बाई 4 नॉट कैन ठीक है इसके बाद 41 हो गया यस सर 42 यस सर अगर सारे बोल रहे हैं हाँ, मतलब कोई डाउट नहीं है मेरा आप लोगों को कोई डाउट नहीं है सर 40 तक ही करो अब ये का 40 तक का डाउट है हाँ 42 43 सर 43 करा दीजिए 43 करा ठीक है फोर्टी में दे रखा है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 कॉटेक्स अपॉन कॉटेक्स प्लस कॉसेक्स डीएक्स इज इक्वल टू एम इंटू पाई प्लस एन तो एम डॉट एन एम और एम का मल्टीप्लाई बता रहा है ठीक है भाई cosecx माइनस cotx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया डिनोमिनेटर में cotx प्लस cosecx ऐसे हो गया बेटा ये सब ऐसे ही आएगा देखने के बाद आपको क्या करना है ये बन गया cosecx cotx माइनस cot स्क्वायर है डिनोमिनेटर बंद हो जाएगा cot स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है जीरो से पाई बाई टू ऐसी कॉस का एक्स कॉट एक्स ऐसी इसे लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन से प्लस वन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस का एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन है लिमिट जीरो से पाई बाई टू लगाइए अपन लिमिट पाई बाई टू कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस कॉट पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस दो लिमिट जीरो लगेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी बन जाएगा या तो भाई इसको कैंसिल आउट कर रहा है जीरो का निकल रहा है कर लिया एग्जाम में cos पाई बाई टू वन cot पाई बाई टू जीरो प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू पाई प्लस एन अच्छा तो टू उसको मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो ये जाएगा हमारे पास पाई माइनस टू
इनटू वन अपॉन टू बाहर इक्वल टू एम इनटू पाई का साइन, तो एम की वैल्यू होगी वन अपॉन टू, एन की वैल्यू होगी माइनस टू, तो एम और एन का मल्टीप्लाई हो गया माइनस वन। अब यार कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ ठीक है, थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। लेकिन है अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी, माइनस एनसीडी प्लस एनसीडी को कैंसिल आउट कर दिया, ये तो एक्सेप्टेड केस है अपने आप में। ठीक है भाई, ओके सर। कैसे करा अक्षर तुमने ये? सर ये नहीं हुआ था। चलो ठीक है, अब करो नोट करो। इसके बाद 44 हो गया सर, 45 सर हो गया, 46 सर बता दीजिए, 46 में क्या है? If the area is square, it bounded by the parabola y square is equal to 4 lambda x and the line y is equal to lambda x. Lambda square is equal to 1 by 9. The lambda ki value banani hai, aapko question mein kaha line idhar hai ki y is equal to lambda x. फाइंड आउट द सेक्शन निकालना पड़ेगा, पहले दोनों को सॉल्व करके लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 4, तो एक्स वैल्यू आ गई 4 बाय लैम्डा और वाई वैल्यू आ जाएगी 4, ये वाला पॉइंट इक्वल टू है, तो 0 से लेके 4 अपॉन लैम्डा तक अपर पर माइनस 2 अपर पर, तो वाई के अंदर 4 लैम्डा है और यहां पे लैम्डा है dx और ये जो एरिया है ये 1 बाय 9 के इक्वल दे रखा है, तो 2 रूट लैम्डा ऐसे आ गया, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 3 बाय 2 लिमिट 0 से लेकर 4 बाय लैम्डा तक x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर 4 बाय लैम्डा तक इक्वल टू आ गया 1 बाय 9, तो ये हो गया 1 बाय 2 जब 4 रूट लैम्डा अपॉन 3 x की पावर 4 बाय लैम्डा, 4 अपॉन रूट लैम्डा रूट लैम्डा माइनस 0 माइनस लैम्डा बाय 2 16 बाय लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 1 बाय 9, ये हो जाएगा 16 अपॉन 3, इस रूट लैम्डा से रूट लैम्डा कट जाएगा, तो मुझे 16 इक्वल टू अपॉन लैम्डा या लैम्डा से लैम्डा कट गया 8 अपॉन लैम्डा इधर तो 1/9 ये हो गया 16 हो गया 32 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा इधर तो 1/9 3 लैम्डा एलसीएम आ गया 32 माइनस 24 इधर तो 1/9 8 अपॉन 3 लैम्डा इधर तो 1/9 3 लिया है लैम्डा की वैल्यू होगी 24, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर था ये 46, यस ये ऑप्शन में 24 दे रखा है। ठीक है बेटा, चलो नोट करो जल्दी। अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये नहीं है बता? यस सर, फोर्टी सेवन में the area of the region enclosed by the circle x square plus y square equal to 2 which is not common to the region y square equal to x and the straight line y equal to x अरे जो कॉमन नहीं है क्या हो गया, ये सर्कल दे रखा है, सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 2 0 है, पहला वाला y square equal to x है,
लाइन ले जा रही होगी ऐसे की, ये तो मान रहे तीनों को कॉमन है, तो हमें इसके अलावा बाकी सारा बता रहे हैं जितना भी है, तो पूरे सर्किल के एरिया में पाई आर स्क्वायर लिखे, ये वाला पॉइंट देखो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर का एक्स रखे यहाँ पे, एक्स क्यूब वन आएगी तो जीरो से वन तक पैराबोला माइनस लाइन, तो रूट एक्स माइनस एक्स डी एक्स कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। 48 सर नहीं हुआ, 48 में दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन 1/a + b इंटीग्रल a टू b x f x प्लस f x प्लस 1 dx, ये हमारे पास अब ये नहीं पता चल रहा है x दोनों के साथ है पहले के साथ है, ये देख थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट आ रहा है, चलो क्या देखते करके अभी, तो वन अपन दोनों साथ मान के चल रहे हैं फिलहाल, एक्स एफ एक्स डी एक्स अलग, तो वन अपन ए प्लस बी ए टू बी एक्स एफ एक्स प्लस वन डी एक्स अलग, इसे तो ऐसे छोड़ दिया, इस बारे में दोनों लिमिट को सम करके माइनस करने की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये पूरा जो है एफ एक्स के पद रखा था यहां पर शिफ्ट कर देंगे, ये ऐसे आ गया, और जो ब्रैकेट खोलेंगे इसको अलग करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा ये बात समझ आ गई, ये देखो ये सेम इंटीग्रेशन आया यहां माइनस का एक्स आ गया प्लस का चल गया, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों से कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/a + b ऐसे आ गया इंटीग्रल a टू b a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स पता बताइए, ये भी कट गया ऐसे, तो इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स देखो ये ऑप्शन में नहीं है, इन्होंने करा क्या है एक काम करो, तो अगर हम यहाँ वन प्लस कर देंगे तो यहाँ वन माइनस हो जाएगा, वही टेक्निक लगा दो ए माइनस वन बी माइनस वन एफ एक्स प्लस वन, अब खड़ा ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है भाई समझ आ गई बस, यस सर नोट करिए, यस सर एक नोट करिए, वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच फोर एल्फा माइनस 52 तक ई की पावर माइनस एल्फा मॉड ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा मॉड ऑफ एक्स है तो सिर्फ लिमिट करनी पड़ेगी, तो आपका कहना है ये वाला पॉइंट जीरो पे डिफाइन करता है, माइनस वन से जीरो तक प्लस जीरो से टू तक, इसमें मॉड नेगेटिव होगा तो एफ आई डी एक्स हो जाएगा, इसमें मॉड पॉजिटिव होगा तो माइनस एफ आई डी एक्स हो जाएगा, अच्छा ही लगा मुझे इसके लिए क्वेश्चन पूछा है इसका स्टैंडर्ड डेटा क्वेश्चन था, तो ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स वन अपॉन अल्फा बाहर आएगा लिमिट माइनस वन से जीरो तक, ऐसे यहाँ पे ए की पावर माइनस अल्फा एक्स वन अपॉन अल्फा बाहर निकल गया मैंने लिमिट जीरो से टू तक इज इक्वल टू 5, निकालना क्या है मेरे को अल्फा बताना आ जाए तो कटी गया अल्फा एक्स के प्लस अल्फा लिमिट ई की पावर जीरो माइनस दो लिमिट ई की पावर माइनस अल्फा एक्स के प्लस अल्फा लिमिट माइनस टू अल्फा दो लिमिट ई की पावर जीरो इज इक्वल टू 5,
तो ये हो गया 4 e की पावर 0 बार 1 अपॉन e की पावर अल्फा 1 अपॉन e की पावर 2 अल्फा क्योंकि जैसे जगह e की पावर माइनस अल्फा e की पावर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 हो गया इसे थोड़ी देर के लिए y बोल दिया तो 2 माइनस y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 5 हो गया हमारे पास कितना हो गया हमारे पास ये 4y स्क्वायर प्लस 4y और माइनस का 3 हो गए 3 4 जाए 12 के फैक्टर 4 6 और 2 आ जाएंगे 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 2y कॉमन ले लिया तो 2y प्लस 3 माइनस 9 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 3 और 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 y इक्वल टू 1 अपॉन 2 y मतलब क्या e की पावर माइनस अल्फा है और e की पावर माइनस अल्फा का एक्सपोनेंशियल नेगेटिव तो होता नहीं है यहां पर लॉग ले सकते हो यहां पे आप लॉग लेंगे यहां पे लॉग लेंगे कितना आएगा वैल्यू log e की पावर माइनस अल्फा इक्वल log 1 बाय 2 माइनस अल्फा log e इक्वल टू log 1 अपॉन log 1 माइनस log 2 ये बेटा है log e की वैल्यू 1 हो गई log का 0 हो गया माइनस log 2 हो गया अल्फा वैल्यू log 2 हो गया ये आंसर सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया ठीक है इसे नोट कर लीजिए जल्दी से बहुत जल्दी नोट करेंगे इसके बाद 50 बताओ बच्चों 50 हुआ या नहीं नहीं हुआ ठीक है करा रहे हैं If theta 1 and theta 2 respectively the smallest and largest value of theta is 0 to 2 pi exception pi 2 cot square theta minus pi upon sine theta plus 4 is equal to 0 then theta 1 to theta 2 tak cos square 3 theta d theta की वैल्यू क्या होगी तो ठीक है यहां से जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसकी लिमिट है ठीक कर रहा हूं क्या करना है इंटीग्रेट करना तो आपको आता ही है वैसे इंटीग्रेट कर लो पर माइनस हां cos का 1 plus cos theta अपॉन 2 लिखते देखा पाओगे इंटीग्रेट पता theta plus sin 6 theta अपॉन 6 और लिमिट क्या लगे theta 1 से लेकर इसके ऊपर बेटा theta 2 तक लगे इसके अंदर अब थीटा 1 थीटा 2 लगे यहां से मिल गया उसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो सॉल्व करते हैं अपन लोग मेहनत करते हैं तो 2 cos square theta upon sin square theta कर दिया हमने इसको pi upon sin theta plus 4 is equal to 0 हो गया ये तो कितना हो गया 2 cos square theta कर दिया 1 minus sin square theta minus 5 sin theta plus 4 sin square theta is equal to 0 तो 2 minus 2 sin square theta minus 5 sin theta plus 4 sin square theta is equal to 0 तो 4 sin square theta minus 2 sin square theta 2 sin square theta हो गया माइनस का 5 sin थीटा होगा प्लस का 2 हो गया इक्वल टू 0 हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया तो 2 sin थीटा का मान लीजिए sin थीटा माइनस 2 आ गया sin थीटा की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती बेटा तो sin थीटा आ गया 1/2 तो बना पॉइंट की वैल्यू इसकी भी क्वालिटी में साइन 30 क्यों भी आपके साइन 30 माइनस 30 बन 55 बाय 60 बोलो भाई तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी लिमिट हो जाएगी 5 बाय 60 लेकर कहां पर 5 बाय 60 का बस कर लिए लगाइए लिमिट बनाइए फाइनल आंसर मीटिंग ओवर होने वाली है 3 मिनट के बाद और ज्वाइन करिएगा 5 बाय 6 6 * 5 बाय 60 हाँ तो फाइनल आंसर बनाने की बात कर देखी 5 पाई बाय 6 sin 5 पाई 0 5 बाय 6 sin पाई 0 तो 5 पाई माइनस 5 4 पाई बाय 6 ये हो गया हमारे पास पाई बाय 3 ये आंसर आ गया ओके थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है इसके बाद 31 हो गया
52 Yes, sir. 53 Yes, sir. 52 हो गया पक्का? सर मेरा क्या कह रहा बेटा? सर 52 नहीं हुआ? हाँ, ये तुम्हारे पूछा 52 हो गया क्या? चलो नोट करो जल्दी जल्दी नंबर जी नोट कर लिया? यस सर सर तो बेटा ये इंटीग्रेट तो होना ही नहीं है ना, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की लिमिट किसी इंटरवल में निकालनी है, तो डेफिनेटली अगर पांच से प्रॉपर्टी पर एक्स करवाएंगे तो इस इंटरवल में आंसर निकाला जाता है, अगर आप लोगों को याद हो तो। सही है नहीं? तो उसके अकॉर्डिंग सबसे आसान तरीका मैक्सिमम मिनिमम होने का भी देख लो उसको, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ऑप्शन क्या है, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 कर लिया अपने से एक्स इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये रूट एक्स है, वहां पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वहां पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस आप माइनस 3/2 तो माइनस का 1/2 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 की होल पावर 3/2 द्वारा करेंगे तो कितना आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 6 2 को 2 से डिवाइड हो गया भाई 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 9x प्लस 6 अपॉन 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 की होल पावर 3/2 ऐसे रह गया माइनस से रहती 3 कॉमन आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 2 हो गया बेटा ये माइनस आई ऐसे रह गया और 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 की होल पावर 3/2 लिमिट डायरेक्टली बेटा तुमने बर्थडे के 2 था बर्थडे के 2 के बीच में मालूम हो गया तो हमारा 1.5 रख देते बेटा क्वेश्चन के अंदर जो कैलकुलेटर में तो 1.5 आया इसका 1.5 में से मेरे कुल मिला के आंसर इसका पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0 और एवरी एक्स क्रॉस टू बच्चे लेके टूटता है तो ये आंसर बताओ आएगा या नहीं आएगा बताओ तो ये आंसर यस सर यानी कि फंक्शन कैसा हो गया यानी दो भी सकता होगा ये तरीके से क्यों नहीं करा होगा होगा या नहीं होगा बोलो यस सर अब तुम आंसर की फॉर्म देखो आंसर की फॉर्म देख ली क्या कह रहा है तुम्हारे पास ये देखो 1/6 से 1/2 तक 1/8 से 1/4 तक 1/9 से 1/8 तक तो इस तरीके की एडजस्टमेंट टाइप के आंसर दे रखे हैं फिर तो के बेटा हमें खुद अपने पास ही मानने पड़ेंगे मान लो अगर हम 1 और 2 ले लें हमें कुछ नहीं पता जैसे पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा अंदर दस कितना ऐसे ये इसके सामने f1 आएगा या f2 आएगा बेटा है ना ये फंक्शन है तो f1 जो है f2 से छोटा ही होगा अगर हम f1 निकालते हैं x की जगह 1 रखें यहां पर 1 निकालते हैं बेटा तो क्या आएगा 2 और 12 14 और 18 माइनस 9 यानी कि 9 ही आएगा यानी कि 1 और 3 आ जाएगा बेटा और अगर हम 2 निकालते हैं बेटा 2 को रखते हैं तो 2 का क्यूब 8 2 जा 16 और जरा पता प्लीज 1 और 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 9 36 और 12 2 जा 24 और 4 अब कितना आएगा बेटा ये 24 और 16 40 तो ये हो गए 44 ये हो गए 8 आएगा 1 और 8 आएगा आएगा नहीं आएगा बताओ
क्यों भाई बोलो? यस सर। ये नहीं अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी जो हमारा आंसर होगा वो किसकी भी सुनाई करेगा, आई की वैल्यू, आई की किसकी भी सुनाई करेगी? यस सर। क्योंकि हमारे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है भाई? यस सर, यस सर। इसके बाद 53 कर लिया? नो सर। है? यस सर। यस और नो? कभी क्या बोला कभी काम नहीं, आपने क्या बोला, यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके बेटा, तो नाउ द टॉपिक इज कंप्लीट, दो क्वेश्चन रह गए, वो हो जाएंगे थोड़े दिनों में ऑटोमेटिक अपने आप। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर शुरू होगा, मॉड्यूल उसके तैयार है, यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं कोचिंग से। बहुत ज्यादा थ्योरी मुझे उसमें नहीं करानी है, जितना एकेडमिक है उतना ही कॉम्पिटिटिव है, एकेडमिक की और कॉम्पिटिटिव की थ्योरी में हार्डली 2% का डिफरेंस है बस, एक दो चीजें मुझे बतानी है, बाकी सब बोल वाला है उसके अंदर। समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। उसके क्वेश्चन लगाने पे आना है, चलिए नोट कर लिए, नेक्स्ट क्लास उसके क्वेश्चन लगाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? चलो ओके बेटा बाय। यस सर। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लिया।